और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि हिजाब फोबिया हो गया है। आज यूपी में वो जहां भी गए हिजाब को नहीं भूल पाए। पहले फरुखाबाद में हिजाब को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले अगर चाय बेचने वाला देश का पीएम बन सकता है तो हिजाब वाली बेटी भी देश की पीएम बनेगी। वहीं जब कानपुर में 20 फरवरी को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए कहते नजर आए कि सभी फक्र से हिजाब पहनकर ही जाएं और वोट करें, कानपुर में रैली में मौजूद मुस्लिम महिलाओं पर सवाल उठाते नजर आए और बोले कि मोदी की रैली में मौजूद महिलाएं क्या अफगानिस्तानी हैं? मेरा भाव यह है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला भारत का प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली मेरी बेटी बनेगी। मोदी ये कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था तो मुझे भी हक हासिल है कि मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी और कोई नहीं रोक पाएगा। मैं उन मां बहनों से बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जब आप 20 तारीख को जाएंगे मतदान करने के लिए, अगर आप हिजाब और निकाब पहनते तो फखर के साथ पहनकर जाइए। अरे वो नड्डा की आरती उतारने वाली कौन सा बुरखा हिजाब पहनकर नहीं उतारी, वो अफगानी तालिबानी थी क्या? अरे योगी जी, आपके नड्डा और मोदी जी के रैली में तो आप ही तो बुरखा पहना कर लाकर बिठाते हैं, तालिबानियों को बिठाते हैं क्या आप?